हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 4-5 की हिंदी का जो आकलन पत्रक 20 है हम वो करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने 76 वाक कार्य पत्रक पूरे कर दिए हैं, जितने भी आपके 19 आकलन पत्रक हैं वो भी पूरे कर दिए हैं। अगर आपका कोई मिस है तो नीचे इसके जो वर्क प्लेलिस्ट है वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अब पहला है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 7-8 वाक्य लिखने हैं। तो ये चित्र में देखो बच्चों, एक गाय है जो अपने बछड़े को दूध पिला रही है, यानी कि हमें गाय के ऊपर 7-8 वाक्य लिखने हैं। मैंने लिखे हैं, गाय एक पालतू पशु है, इसकी 4 टांगे होती हैं, इसकी 2 आंखें, 2 कान और एक लंबी पूंछ होती है, यह हरी घास खाती है, ये मीठा दूध देती है, इसके दूध से दही, मक्खन, घी व मिठाइयाँ बनती हैं। गायें काली, सफेद, भूरी, लाल व चितकबरी रंग की होती है। गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है, वह खेतों में काम आता है, इसके गोबर से खाद व उपले बनते हैं। गाय को गौ माता भी कहते हैं और हमारे देश में इसकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से बच्चों, हमने एक चित्र को देखकर उसके ऊपर 10 लाइनें लिखी हैं। अगला है, अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें अपनी आवश्यकता के लिए घर से पैसे मंगवाइए। तो देखो बच्चों, इसमें हमने पिताजी को एक पत्र लिखना है। मैंने पत्र में लिखा, पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श मतलब पैरों को हाथ लगा रहा हूँ, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई अगले सोमवार से चालू हो रही है और मेरे पास पैसे ना होने के कारण अभी तक अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीद पाया हूँ। मुझे कॉपियाँ, किताबें और पेन खरीदनी है ताकि मैं अपनी पढ़ाई सही समय पर पूरी कर सकूँ, शुरू कर सकूँ। ये सब खरीदने के लिए मुझे अभी 1,000 रुपये की अति आवश्यकता है। कृपया जितना जल्दी हो सके यह राशि मुझे भिजवाने का प्रबंध करें। यह भिजवाने का प्रबंध करें आएगा बच्चों। शेष शुभ, माँ को सादर प्रणाम और नेहा को स्नेह, आपका प्रिय पुत्र, नीचे आप अपना नाम लिख देना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जो आज हमारा ये कार्य पत्रक आकलन पत्रक 20 है ये कंप्लीट होता है। इसके साथ ही आपकी कक्षा 4 और 5 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है वो कंप्लीट होती है। बच्चों, हमने हिंदी, इंग्लिश और मैथ पर, तीनों पर हमने कार्य पुस्तिकाएं कंप्लीट कर दी हैं। आप उनको देखकर सारा अपना होमवर्क पूरा कर लेना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।